Assalamualaikum guys, guys गाइज़ आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि मेरा लंदन में फ़ोन गुम हुआ है मेरा आईफोन थर्टीन प्रो मैक्स चोरी हो गया था और फिर मुझे नया लेना पड़ा था तो अभी मेरे पास आपके लिए एक और बेड न्यूज़ है कि इस लास्ट मंथ में मेरा फ़ोन दो दफ़ा चोरी हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे चोरी हुआ और आप लोग कैसे अपनी हिफाजत कर सकते हैं और मेरे फ़ोनस की हिफाजत कर सकते है. सो so गाइस इस दफ़ा मेरा फ़ोन दो दफ़ा चोरी हो चुका है इसी साल अभी 2024 शुरू ही हुआ है और मेरा फोन ऑलरेडी दो दफ़ा चोरी हो चुका है तो इस दफ़ा जो फर्स्ट टाइम मेरा चोरी हुआ वो जनवरी में हुआ था जनवरी के एंड में तो हुआ ये कि मैं जा रही थी ऑक्सफर्ड स्ट्रीट पे ऑक्सफर्ड स्ट्रीट पे मैं शॉपिंग वगैरह करी थी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो मैं गई एक कैफ़े में कैफे की तरफ मैं जा रही थी तो रस्ते में ना थोड़ा सा रश था थोड़ा सा रश बना एक जगह कुछ कचरा वचरा पड़ा हुआ था तो मैं उसके ना पास से गुजरी थी जरा निहरोसी जगह थी तो मैंने जो फ़ोन है ना वो अपनी आ, अपनी जैकेट की पॉकेट में डाला होता है जैसे आपको पता सर्दियाँ हैं तो बस फिर मैंने जैकेट की पॉकेट में डाला क्योंकि जैकेट बंद थी वरना आम तौर पर तो मैं अपनी जीन्स में डालती हूँ तो आ, मैं जब वहाँ से गुज़री तो थोड़ा धक्का वक्का लगा तो मुझे पता नहीं चला और कुछ लड़कियाँ थी जो वहाँ से गुजर रही थी कुछ चाइनीज़ लड़कियाँ थी तो मेरा ख्याल यही है कि उन लोगों ने मेरा फ़ोन निकाल लिया तो कैफ़े जो था वो उसके बिल्कुल पास ही था मैं कैफ़े में जब तक पहुँची तो कैफ़े में जाते ही मैंने अपना फ़ोन चेक किया कि मेरा फ़ोन किधर है तो मेरा फ़ोन नहीं था तो बाहर आके मैंने देखा तो कोई लड़कियाँ वगैरह भी नहीं थी वो जा चुकी थी और उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी हुई तो आई फोन प्रो मैक्स था मेरा तो आईफोन की आपको पता है कि लोकेशन जो है वो आप शेयर कर सकते हैं तो मैंने अपनी लोकेशन जो है वो अपनी आ, फ्रेंड को शेयर की हुई थी तो मैंने उसको किसी तरह से मैसेज किया कि आ, मैंने किसी का फ़ोन लेके उसको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मेरा फ़ोन चेक करो कि मेरा फ़ोन कहाँ है तो उसने चेक किया तो उस वक्त तक मेरा फ़ोन काफ़ी दूर जा चुका था तो फिर मैं उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या हो सकता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता फ़ोन यहाँ पर नहीं मिलेगा मुझे लास्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस था कि लास्ट टाइम में, में मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ था मैं पुलिस में रिपोर्ट कराने गई थी तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और उन्होंने रिपोर्ट तो लिख ली थी लेकिन उस पर कोई उस पर कुछ भी नहीं हुआ था यहां की पुलिस ना पंजाब पुलिस से ज्यादा फजूल सी है यहां पे कुछ भी नहीं करता ये तो खैर मैं उसके बाद जब घर गई घर आई वापस तो घर आके मैंने अपना लैपटॉप खोला वहां से मैंने एप्पल आईडी लॉगिन किया और फिर मैंने आ, उस फ़ोन को ब्लॉक किया उसको लॉस्ट लॉस्ट मोड पे लगा दिया और फिर मैंने इंश्योरेंस क्लेम की लेकिन इंश्योरेंस एप्पल की इंश्योरेंस थी मेरे पास तो उन लोगों ने फ़ोन ही उसको वो कर दिया आ, उन्होंने फॉरन अप्रूव कर दिया कोई इसमें टाइम नहीं लगा हालांकि लिखा हुआ था कि दो तीन दिन लग सकते हैं लेकिन कोई टाइम नहीं लगा वो अप्रूव हो गया और उस दिन सेचर था तो उन्होंने वर्किंग डेज़ का कहा हुआ था तो नेक्स्ट आई थिंक ट्यूसडे को मेरा फ़ोन आ गया था वापस दोपहर के टाइम तक तो फ़ोन तो आ गया वापस लेकिन ये है कि अब मुझे डेटा डेटा भी चाहिए था अपना वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आई क्लॉड किया हुआ था आई क्लॉड होता है मेरे पास तो उसकी वजह से मैंने दोबारा से अपना डेटा जो है वो सारा डाउनलोड कर लिया और मेरे पास डेटा वापस आ गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस साल का हो गया अब इसका मतलब है कि इस साल अब और फ़ोन चोरी नहीं होंगे हर साल एक होता है तो मैं थोड़ा सही थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद थी मेरे दोबारा फोन चोरी होने की so जनवरी का महीना एंड हो गया और फरवरी के एंड में तकरीबन वही डेट थी सेम डेट को फरवरी की सेम डेट को मेरा फोन दोबारा चोरी हो गया तो इस सफाई हुआ कि मैं ब्रिस्टल जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के पास उनसे मिलने तो मैंने अपने साथ कुछ सामान भी रखा हुआ था मेरे पास एक ट्रॉली बैग था और एक लैपटॉप का बैग था और इसके अलावा मैंने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी क्योंकि काफ़ी सर्दी थी तो मैंने फुल पैक किया था अपने आप को तो फ़ोन बाहर रखना पड़ता है क्योंकि फ़ोन से ही टैप करना होता है फ़ोन से आपने पेमेंट करनी होती है ट्रेन की तो इसलिए इस वजह से मैंने फ़ोन अपना बाहर रखा हुआ था तो उस दिन ना कोई बहुत ज़्यादा रश था मैं जिस ट्रेन में गई उस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा रश था मतलब एक्सट्रीम रश था और डिलेज भी हो रहे थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का भी कोई सीन हो सकता है कोई इस तरह से वारदात कर सकता है मेरे साथ तो मैंने फ़ोन अपना पॉकेट में रखा मेरी जो जैकेट थी उसकी उसकी ज़िप भी थी तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा उसको सिक्योर करके ज़िप के अंदर रखा कि मैंने कहा चलो अब तो चोरी नहीं होगा अब तो मैंने ज़िप के अंदर रखा हुआ है तो जो जो मैंने ट्रॉली बैग था तो उसके ऊपर मैंने अपना दूसरा लैपटॉप का बैग रख दिया क्योंकि भारी था तो मैंने सोचा कि कौन इसको बैग बैग की तरह उठाए तो मैंने उसको उसके ऊपर रख दिया तो मैं वो चला रही थी तो जब मैं ट्रेन में गई तो ट्रेन में खड़े होने की जगह थी मैं खड़ी होगी एक साइड पर अपना ट्रॉली बैग वगैरह लेके तो मेरे साथ ना एक आ, आ, एक आदमी और एक औरत जो है वो एंटर हुए काफ़ी बड़े बड़े टाइप थे वो काफ़ी यानी कि उन आ, लंबे लंबे थे और इस टाइप के ना तो खैर मुझे तो नहीं पता था कि वो लोग ये करेंगे तो मैं उधर खड़ी हुई थी तो उसके बाद ना काफ़ी देर बाद मुझे फील हुआ कि मेरा जो ट्रॉली बैग है ना वो कोई खींच रहा है तो मेरे आगे एक बंदा आया तो मुझे नज़र नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा बैग कोई खींच रहा है ना तो आ, मैं उस बैग की तरफ ध्यान दे रही थी क्योंकि उसके अंदर मेरा लैपटॉप था तो ऑफिस का लैपटॉप है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत फिक्र थी मैं उसकी तरफ ध्यान दे रही थी तो मेरी लेफ्ट पॉकेट में ही फोन था और लेफ्ट लेफ्ट साइड पर ही वो औरत खड़ी थी तो फिर ना नेक्स्ट स्टेशन पे वो औरत उतर गई और वो आदमी भी उतर गया उसके साथ तो मैंने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे तो एयरपोर्ट्स ना बंद हो गया अचानक से मेरे जो सॉन्ग्स थे जो मैं सुन रही थी वो बंद हो गए तो मैंने कहा मेरा फ़ोन किधर गया ना तो मैंने फ़ोन चेक किया तो मेरी पॉकेट खुली हुई थी तो आ, मेरे जो साथ वाला बंदा एक खड़ा था ना तो उसको मैंने फ़ौरन से कहा कि तुमने मेरा फ़ोन लिया है मैंने उसको फ़ौर से यूँ कहा तो मैंने उसका फ़ोन भी चेक किया कहते नहीं ये तो मेरा फ़ोन है फिर उसने मुझे बताया कि ये जो अभी आदमी औरत उतरे हैं ना ये ज़रा अजीब से लग रहे थे तो यकीन उन्होंने ही कोई वारदात की है तो अब मैं मैंने सोचा अच्छा चलो फिर अब क्या हो सकता है फिर मैं फिर मैंने देखा नेक्स्ट स्टेशन वहाँ पे मैं उतरी वहाँ पे गई मैं एक कॉफ़ी शॉप में वहाँ से लैपटॉप ऑन किया लैपटॉप ऑन करके दोबारा मैंने मार्केज लॉस्ट किया और, और इंश्योरेंस क्लेम की तो गाइज़ इंश्योरेंस एप्पल की एप्पल की इंश्योरेंस अच्छी होती है क्लेम तो हो जाती है लेकिन उसका मसला ये है कि आपको कुछ पैसे तो पे करने पड़ते हैं हंड्रेड हंड्रेड एंड नाइन पाउंड्स हैं जो तो आपको दोबारा पे करने पड़ते हैं और मुझे उसके बाद सिम का इतना मसला बना कि सिम जो है वो मेरी वापस निकल ही नहीं रही थी पहले तो अगर उनके ऑफिस पर जाओ ना जो सिम वाली कंपनी है तो वो मेरा जो आई था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो कह रहे थे आई के ऊपर जो है आपका अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपकी आईडी है तो उसके ऊपर आपका एड्रेस वही होना चाहिए जो पहले जो हमारे पास रजिस्टर्ड है तो एड्रेस मेरे पास चेंज था तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया पासपोर्ट मेरे पास था नहीं सेकेंड वो आई डी प्रूफ ऑफ आई पासपोर्ट ही एक्सेप्ट करते हैं वो मेरे पास था नहीं उस दिन तो मैं ब्रिस्टल में भी थी तो फ़ोन तो मेरा आ गया ना एक दो दिन बाद लेकिन जो जो सिम थी वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया जब मैं वापस आई उसके बाद मैंने उसको ऑर्डर किया हुआ था लेकिन वो नहीं आई फिर मैंने फिर मैं दोबारा से अपना पासपोर्ट लेकर गई एक दोबारा ऑफिस में उनके सिम वालों के ऑफ़िस में तो फिर जाके कहीं मुझे सिम मिली <coughs> तो काफ़ी हैसल होती है गाइस बहुत मसले क्रिएट हो जाते हैं अगर आपके पास फ़ोन ना हो तो ये है कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं लंदन में तो आपको अपने फ़ोन की इंश्योरेंस लाजमी करानी चाहिए इंश्योरेंस लाजमी लेके कर रखें क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जिस तरह मेरा लास्ट ईयर हुआ था इस दफ़ा भी हुआ है ऑब्वियसली मतलब हंड्रेड एंड समथिंग पाउंड का हुआ है लेकिन लास्ट टाइम तो मुझे पूरा फ़ोन नया लेना पड़ा था तो लिहाजा अपनी अपने फ़ोन की इंश्योरेंस करा के रखें पहली बात तो ये है और दूसरा ये कि आप ये मत सोचें कि यहाँ आपने पॉकेट के अंदर डाल दिया बंद कर दी है तो वो सिक्योर हो गया ये फिर भी आपका फ़ोन सिक्योर नहीं होगा ये लोग फिर भी निकाल लेते हैं तो आई डोंट नो इसका क्या किया जा सकता है अब मैंने ये किया है कि मैं एक ना छोटा सा बैग रखती हूँ अपने साथ जो यूँ करके ना क्रॉस बैग होता है तो वो मैं आ, डाल लेती हूँ और उसके ऊपर जैकेट पहनती हूँ और फिर मैं जैकेट बंद कर देती हूँ अब मैं अब मैंने ये एहतियात शुरू की है अब यही कर सकते हैं तो ये मसले हैं यहाँ अब लेकिन ये है कि आ, कार्ड भी मैं यूज़ नहीं करना चाहती ट्रेन पे क्योंकि कार्ड यूज़ करूँगी तो कार्ड गुम हो गया तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है लोग पैसे निकाल लेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ और गाइज एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंश्योरेंस है जो एप्पल की इंश्योरेंस है उसके मुताबिक आप एक साल के अंदर दो फ़ोन ही रीऑर्डर कर सकते हैं यानी कि दो दफ़ा इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं दो से ज़्यादा दफ़ा अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकेंगे तो ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि फ़ोन को ध्यान से ही रखना पड़ेगा नहीं तो दोबारा से उसके बहुत ज़्यादा पैसे जितने भी होते हैं वो ख़र्च हो जाएंगे तो अब मैं अपना फ़ोन बड़ा ध्यान से रखती हूँ ध्यान से रखने की कोशिश कर रही हूँ इन इस दफ़ा चोरी नहीं होगा तो देखते हैं कि आप क्या होता है दोबारा अगर कोई अल्लाह ना करे इस तरह का मसला हुआ तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूँगी तो आप लोगों भी अपना ध्यान रखिएगा लंदन में तो सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़